नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लगभग 300 साल पुराने श्रीदेव शक्ति गणेश मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु तिल गणेश के पावन अवसर पर। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री शक्ति देव गणेश की पूजन अर्चन की यहां मान्यता है, जो कि सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। और गणेश मंदिर के पीछे दीवार पर ₹1 का सिक्का चिपकाने से उनका सिक्का चिपक जाता है, तो यहाँ मान्यता है कि उनकी हर मुराद पूरी होती है। लगातार श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पर अपने परिवार और बच्चों के साथ आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। मनोकामना मांगते हैं पूर्ण होती है। तिल गणेश है तो मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आई हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो पूरी हो। मूर्ति है लगभग 300 वर्ष पुरानी है। यह दानवर की मूर्ति है, विशेष विशेष मूर्ति रहती है। और यहाँ लोग स्वास्थ्य संबंधी, नौकरी पाने के लिए, संतान पाने के लिए और भी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, तो भगवान गजानन उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और विशेषकर यहाँ प्रत्येक बुधवार और चतुर्थी लोगों का मेला सा लगता है और प्रत्येक वर्ष की तरह तिल संकटा चतुर्थी पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गजानन के दर्शन मात्र से ही भक्तों के तिल तिल करके जो संकट होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तिल संकटा का बड़ा विशेष महत्व है। जो है भगवान गणेश जो है तिल संकटा चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आज भगवान गणेश के दर्शन मात्र से ही तिल मात्र जो संकट रहते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और यहाँ विगत कई वर्षों से ये मेला लगातार चलता आ रहा है और हर बुधवार और चतुर्थी को लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, सिक्का चिपका के भी शादी विवाह के निमित्त, अपनी मनोकामना के निमित्त श्रीफल भेंट करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संभाग ब्यूरो आशीष साहू की रिपोर्ट।